वेलकम डियर स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं उनका कॉलेज। आज का हम फिजिक्स में अपना टॉपिक नंबर 3 पढ़ेंगे। जैसा आप देख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, ये हमारे यूनिट का नाम है और आज हम इसका टॉपिक नंबर 3 पढ़ेंगे। इसको कहते हैं हम रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ पार्टिकल। रेक्टिलिनियर ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल के बारे में हम अच्छे समझते हैं। लिखा है व्हेन अ पार्टिकल चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम अलोंग द स्ट्रेट लाइन इट्स मोशन की शायद रेक्टिलिनियर मोशन। कहने का मतलब यह है अगर कोई भी पार्टिकल आता है, पार्टिकल का मतलब आप बहुत अच्छे समझते होंगे जिसको हम कहते हैं पिंड या कोई वस्तु कहते हैं, तो अगर कोई पार्टिकल है वो चेंज इट्स पोजीशन मतलब अपनी पोजीशन चेंज करता है विद टाइम अलोंग स्ट्रेट लाइन, मतलब टाइम के अनुसार समय के अनुसार कोई भी पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज करता है किस लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, तो ऐसे मोशन को लोग क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। कहने का मतलब ये है जैसे कोई पार्टिकल यहाँ है और भाई चलेगा तो टाइम लगेगा और यदि स्ट्रेट में सीधे चलता है तो हम इसको कहेंगे कि जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और इसके अलावा टाइम के अलावा तो इसकी पोजिशन क्या होगी, चेंज होगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। फिर हम लोग आगे फिर हम लोग मानते हमारे पास कोई पार्टिकल है, पार्टिकल आप अच्छे समझ सकते हो, पिंड कहता हूँ, तो पिंड में हमारे पास कोई पार्टिकल है जो उसकी वेलोसिटी जो है ओरिजिन जीरो है, जीरो का मतलब कहीं पर ये चीज पे रखा हुआ है, तो अगर यहाँ पे रखा हुआ है तो इसका ओरिजिन इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी या यू होगी, इसलिए होगी क्योंकि अभी फोर्स इसके ऊपर कोई गति नहीं है, ये आराम से गिर के चल रहा है। तो अब ओरिजिन इसका मान लिया जाता है तो एक्स इक्वल्स टू जीरो मतलब उस चीज की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। अब आगे देखते हैं और उसकी टाइम क्या होगी, जीरो होगी, मतलब यहाँ से चल नहीं रहा है तो टाइम में कोई चेंजेस नहीं होगा। अब ये मूव कर रहा है, कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन इज एज अ फाइनल वेलोसिटी वी एट टाइम टी गिवन। कहने का मतलब कोई एक पार्टिकल था मेरे पास जो अभी तो था लेकिन अब उसको मूव करना है एक्सीलरेशन की तरह से और ये फाइनली कहीं पहुंचेगा, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी पे कहीं पहुंचेगा, तो फाइनल वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, वी कहेंगे। तो ये जब आगे बढ़ेगा तो इसमें टाइम भी चेंज होगा, भाई टाइम भी यहाँ पर था रखा था कोई टाइम नहीं था, अब चलना शुरू होगा तो कुछ ना कुछ तो टाइम जरूर लेगा, जैसे आप कॉलेज से घर आते हैं या घर से कॉलेज जाते हैं तो आप जब चलते हैं मोशन होते हैं कुछ ना कुछ तो टाइम लगता ही है, चले वाले करते हैं। तो हम लोग डेरिवेशन पढ़े हैं एक्सीलरेशन की, तो ए होता है वो वी डी टी अपॉन डी टी होता है, डी अपॉन डी टी का मतलब जो होता है रेट रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। कहने का मतलब एक्सीलरेशन क्या होता है, जब कोई वस्तु कुछ दूरी पर चली गई, अब बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी, एक आंसर में चली गई थोड़ी सी दूरी भी। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग टी डी टी जो है हमारा नीचे था, मतलब डी टी का यहाँ पे हम एग्जैक्टली कह सकते हैं कि कम समय है, तो अभी डी टी को क्या है ए के साथ या अपॉन में है उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में आएगा, तो हमारा एक साइड में डी टी इक्वल टू ए डी टी। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं थोड़ा सा इसको मैथ का फॉर्म लेके चलते हैं, तो हमारा जो टाइम था डी टी को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी यू थी और एक दूसरे स्टेप में हो रहा बी के, तो यू और बी के स्टेप में डी टी होगा वेलोसिटी की बात कर रहे हैं और हमारा टाइम जो होगा वो जीरो से कहां तक जा रहा है, टी तक जा रहा है, तो टाइम हमारा टी तक जाएगा, तो इसको हम कहेंगे ए डी टी। आई होप आपको ये बात अच्छे समझ में आ चुकी है। तो डी टी और डी टी का हो जाएगा जो माइनस थ्री और टाइम का हो जाएगा ए डी टी। तो यहां से हमारा एक चीज पता चलता है डी हमारा प्लस में यू माइनस में, तो यू को उस पार ले जाएंगे साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा यू प्लस ए डी। इसको अगर इक्वेशन वन मान लेते हैं आपको शायद पता है कि हमने बचपन में पढ़ा होगा नाइन टू में डी इक्वल टू टू प्लस ए डी। हाँ बिल्कुल, हम लोग वही चीज पढ़े हैं थोड़ा सा अपडेट वर्जन के साथ पढ़े हैं, थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़े और इसको आगे हम लोग देखते हैं। इक्वेशन वन को हम क्या लिख सकते हैं, डी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। अब यहाँ पे आपको डी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी जो लिख रहा है ये क्या है भाई, एक्स क्या होगा वो थिंग है या वो पार्टिकल है जो अभी तक जीरो पे था और चलना शुरू किया, तो वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा थोड़े समय में वस्तु द्वारा चलने की दूरी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे डी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी और ये किसके इक्वल होता है जो प्लस ए डी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू यू प्लस ए डी। अब ये डी टी हमारा अपॉन में था साइड चेंज करेंगे तो उधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ लिखा है डी एक्स इक्वल टू यू प्लस
आई होप आपको बात समझ आ रही है। या ब्रैकेट में हमने अच्छे से लिख दिया कि पार्टिकल मूव्स फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू s, मतलब जो पार्टिकल है हमारा जो ये लिखे पे था अब वो चलना शुरू करेगा कहां तक, s तक, और जब वो चलना शुरू करेगा तो टाइम 0 था, वो 0 से क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो हमारा जो यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे तो dx जो है चलेगा तो s तक हो जाएगा, ये हो गया हमारा s, और ut plus r के केस में ये पूरा करने पर हमें मिलेगा। तो ये था हमारा इक्वेशन फर्स्ट, और ये हमारा क्या है इक्वेशन टू। इक्वेशन टू क्या है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर। तो थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं, थर्ड इक्वेशन में जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन था वो था v इक्वल टू u प्लस at। अब हम क्या करेंगे थर्ड इक्वेशन को पाने के लिए, हम इसका स्क्वायर करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u प्लस at का स्क्वायर। हमारे पास आपको पता होगा एक प्लस जीरो होगा तो उसका दूसरा है, तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए। तो हमने सिंपली इसको ओपन किया तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए यू बी प्लस ए स्क्वायर ए स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से देखें तो यहाँ तीन जो टर्म है हमें कुछ कॉमन मिला है, वो क्या मिला है कॉमन नहीं बट एक कॉमन मिला है, एक कॉमन मिला है, चलिए एक कॉमन ले लेते हैं, टू कॉमन ले लेते हैं, टू कॉमन टू ले गए यहाँ टू कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हाफ आ जाएगा। देखते हैं अगर टू कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा यू बी और ये बच जाएगा हाफ ए के स्क्वायर। तो हमारे पास जो फाइनली रिजल्ट आता है वो आता है बी स्क्वायर प्लस टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब आप कहेंगे सर ये एस प्लस है, बेटा ये जो यू प्लस यू बी प्लस हाफ ए के स्क्वायर है ये तो हमारा सेकेंड था। तो सेकेंड से हमने बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन हमने ये नई इक्वेशन निकाल ली जिसको कहते हैं बी स्क्वायर प्लस टू यू स्क्वायर प्लस टू ए, ये हमारी हो जाएगी थर्ड इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं और
बेटा यहाँ पे b तो दिया नहीं, पहली चीज। और दूसरी चीज, जब b दिया है तो हम ऐसा फार्मूला देखेंगे तीनों में से कि इसमें s निकालना हो और बाकी हमारे गिवन वैल्यू हो तो बीटा हो, वो हमारी थी ये फार्मूला। अब इसका हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने से क्या है कि हमारे पास s इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू है हमारे पास 2.0 या उसको डायरेक्टली कह सकते हैं चलो 2.0 और t कितना है 2 सेकेंड है इंटू 2 प्लस हाफ, ये कितना है ये हमारा 0.5 इंटू टी स्क्वायर, ये मतलब 2 पैसा, 2 पैसा मतलब क्या हो जाता है 4 हो जाता है। इतनी बात सिंपल। अब आगे कह देते हैं अगर उसको पॉइंट बताते हैं तो अपॉन में कितना हो जाएगा 100, क्योंकि पॉइंट का दिया हुआ है 0, 0 से 0 कट गया, 5 बनता है 5, 5 दूसरा 10। आई होप आपके पास समझ आ गई। ये मुझे 2 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है, 4 से 4 क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। अगर 2 में 2.0 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा है 4, आई होप आपको समझ आ रहा है। और यहां का क्या है 1, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5। अब आप लोग कुछ कहेंगे सर इसका यूनिट क्या होगा, आपको तो पता होगा एस मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस किसमें होता है भाई, या तो किलोमीटर या तो मीटर में होता है। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे अगले पॉइंट में हमको बोला गया है कि हाउ मच टाइम टेक्स टू रीच द वेलोसिटी 6.0 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे भी मिल चुका है हमें सेकेंड क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि हमारे पास क्या दिया गया है, बी इक्वल टू दिया है 6.0 मीटर पर सेकेंड। तो भैया आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमसे पूछा गया है टाइम, हमारे पास दिया है यू ए बी और पूछा गया है टी, तो आप समझते गए होंगे हमें यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट वाला। तो क्या होता है भाई, फर्स्ट फॉर्मूला होता है हमारा वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये लगाएंगे हम, तो हमारे पास वी कितना है, वी हमारा 6.0 इक्वल टू जो कितना है हमारे पास 2.0 प्लस ए कितना है हमारे पास 0.50 इंटू टी कितना है, टी हमारे पास है 6.0। तो टाइम से पूछा है तो टाइम हम लिखेंगे टी, तो डिवाइड कर सब कुछ दिया होगा तो निकालेंगे। चलिए ना आराम से देखते हैं सबसे, देखो बेटा ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 0.50 और उधर क्या बचेगा सिर्फ t बचेगा। तो t प्लस को हम क्या लिख सकते हैं, t प्लस को लिख सकते हैं अगर पॉइंट टाइम है तो 2 जीरो पे बढ़ जाएगा, 1 जीरो से 0 कट गया 5 बन गया 5 और 5 कट गया 2t। तो t आ गया हमारा 1 और टाइम किस को होता है, टाइम किस को होता है भाई, अवर में मिनट में सेकंड में और दिया गया है सेकंड, तो t हो गया हमारा 1 सेकंड। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर इन रीचिंग द वेलोसिटी 6.0 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे दोस्तों से की बात है कि यहां पे क्या क्या चीजें दी गई हैं, क्या पूछ लिया है, यहां पर हमने कहा गया है कि फिर से हमारी वेलोसिटी जो है वो क्या है 6.0 मीटर पर सेकेंड ही है, लेकिन सेकेंड क्वेश्चन हमने पूछा था टाइम, तो हमने फटाक से भी ना सोचे समझे बी इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दिया। इस बार हमसे पूछा है एस, और एस के रिस्पेक्ट में ऐसा कौन सा फार्मूला होता है जिसमें क्या आता हो बी, तो वो फार्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस टू यू स्क्वायर प्लस बिल्कुल सही है 2ax। तो बी की वैल्यू है 6.0 या इसको 6 कह रहे हैं, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, यू स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 2 इंटू ए, ए की वैल्यू है 0.50 और हमें निकालना तो ऐसे ही तो है, आई होप आपको पता समझ आ गया हमें ऐसे निकालना है, तो ऐसे हम क्या लिखेंगे ऐसे ही लिखेंगे। चलिए मैं क्या पहले से रखता, अब हमें पता है ये प्लस में है रह जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इधर बचेगा हमारा 32, इधर क्या है
हमारा किसमें लिखा जाएगा बताइए जल्दी से, मीटर में। तो s = 32 मीटर। ये था हमारा आंसर।